दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ टाइम. हेड कितना टाइम आता है उसको बोलो ना, 75% ऑफ टाइम हेड आता है. उत्कर्ष वो क्लास को इसके लिए बाहर रखा, 11th को ऊपर भेज दिया, तो हमेशा देखने का बाहर क्या चल रहा अंदर क्या चल रहा. When one of the three coins is selected random and flipped, the flipped का meaning क्या, English meaning क्या flipped का, toss करना. जैसे मैं ना lots to odds को flip बोलता मैं. मेरा जो lecture है ना रात को जो चलता, वो मैंने ले रात करो जो शाहरुख सर ले रहे, और आज से अल्ताफ सर आने वाले गैट का, 9:40 से 11 बजे का अल्ताफ सर ही पढ़ाए. Offline. Lots to odds को क्या बोलते हैं, lower order thinking skill से क्या बोलो ना, उसको flip बोलते, flip. What is the problem? It has a two-headed coin. Two-headed coin, समझ रहा क्या? तो even है ना मेरा two-headed है, E2 मेरा fair coin और bias coin मेरा क्या है बोलो ना, तीसरा है अमर अकबर और एंथनी. देखो मैं तुम्हें बहुत भारी सट्टा बताता, तुम लोग को एक सम को एक मिनट के अंदर कैसे करना है उसका आइडिया बताता. अभी जो जो बच्चा जो ई का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और फेयर कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और बायस कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 तो तुम खास रहा यार मेरे ये नहीं है मास मास तो क्या कर मास कर डायबिटीज के मेहमान के लपड़ा होने का ये डिस्ट्रैक्शन हो गया क्या बोल रहा था मैं 1/4 क्यों ले आओ 75% है ना अरे 75% क्या मतलब क्या हो गया बोलो ना 12 ना क्या 4 ना चाराना है ना उसका बायस है ना 75% बायस मतलब प्रोबेबिलिटी सिर्फ चाराने का आएगा तो 12वीं में क्या 11वीं में भाई 12वीं में है ना तेरा दोस्त किधर है डबल बैटरी आगे बैठना पीछे क्यों जाके बैठता जो वो पीछे बैठता ना कभी एंटे पास नहीं होता याद रख तो पहले लिख के देता आगे आगे बैठो दोस्त को छोड़ दो एनडी पास जेडन ने कैसे लाके इसको छोड़ा छोड़ दो खाना खाने टाइम ठीक है अलग है क्या होता टेम्पटेशन रहता अपने अपने सेम दोस्तों के साथ तो बात करेंगे अपन और मैं मेरे को पढ़ाने को मिलता नहीं मैं पढ़ाता ना मेरे आगे आगे पीछे आगे बैठो वैसे चीज बाकी लोग नहीं बता सकते याद रखो अब ये जो समय ना मैं तीन चीज बताया ना सर को बताने को बोला मैं नहीं बताया सर को बताओ करके बारे और मेरी आदत है मैं वही चीज बताऊंगा जो एनडीए में आने वाला याद रखो ये मेरी खासियत है इसको जो है ना बेस थ्योरम को कभी भी याद रखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का समय दूसरी बात बेस थ्योरम में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है की वर्ड है कितने लोगों दो वर्ड मालूम है तुमको एक वर्ड का नाम है एग्जॉस्टिव क्या वर्ड का नाम बोलो ना और एक्सक्लूसिव ये वो दो वर्ड याद रखो दोनों का मीनिंग बताओ एग्जॉस्टिव मतलब खत्म होता है और एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है अमर अकबर एंथनी इंटरचेंज नहीं है तीन भाई है लेकिन तीनों अलग अलग माँ के एक ही माँ के तीन बच्चे नहीं है समझा क्या मिलने में पिछड़े हुए बच्चे ऐसा अभी जो पूछा उन्होंने उन्होंने काय के बारे में पूछा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने देखा कि तुम क्या पूछा क्वेश्चन टू हेडेड का आंसर है टू हेडेड वाला पहला Even upon each other, conditional probability बोल जाओ इसको तो इधर इधर जो आंसर चाहिए ना बच्चों लोग बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कितना बड़ा फर्क मैं तुमको बहुत आसानी से आता बता जो इधर रहता है ना वो इधर लिखने का इधर इवन है कि नहीं वो इवन इधर लिखने का और तुम इधर जो लिखते हैं ना उसका उल्टा ऊपर लिखने का रेसिप्रोकल अरे हाँ बोलो और नीचे जो ना नीचे चलो नीचे वो टोटल प्रोबेबिलिटी रहता क्या रहता वो तो नीचे बोलो ना हाँ मेरा नहीं भविष्य एक बार दूसरे का नेट जाए कुछ दिख रहा नहीं क्या चलो मैं व्हाइट बोर्ड पर बताता मैं व्हाइट बोर्ड पर बताता देखो अभी उन्होंने कितना बड़ा किया देखो चैप्टर वाइज में उन्होंने इतना कैलकुलेशन किया ना अभी मैं तुमको समझा देखो मैं कैसे करता मैं जो कड़ा रहना देखो मैं अभी मैं एग्जाम में आया ना तो मैं क्या करने लगा देखो ये क्या था इवन ये क्या था ई टू ये क्या था मेरे नाम मैं क्या बोलता उसको अमर और ये अकबर और ये बराबर है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो बोलो हाँ
वन बाई टू, इसका क्या था? सेम था ना, और इसका चार आना ना, वो ये कितने लोगों को समझ में आया? ये नहीं समझते बच्चों, ये समझ में आ गया? बच्चे क्या करते 75% बाय बाय दो नहीं लेते हो, 3/4 लेते, 3/4 नहीं लेगा। अच्छा अभी देखो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, मैं बोला वाइस क्रैक हो रहा है, कुछ तो करो यार, कुछ को उसको बुलाओ। E by E1 चाहिए ना अपने को बच्चों, E by E1 चाहिए, E1 अपन E चाहिए, क्या चाहिए अपने को, कैलकुलेट क्या करना पड़ता अपन देख इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E कैलकुलेट करना पड़ता ना अपने को, उसमें जो चाहिए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपन मल्टीप्लाई करते इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 लिखते, समझ में आ गया? कुछ अभी E by E1 कितना है, E by E1 को ना E by E1 कितना है, what is E by E1 नहीं बोलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन में वापस चक्कर में जाना पड़ेगा। E by E1 क्या था, E by E1 बोलो ना, नहीं नहीं वो क्वेश्चन पढ़ा ना, when one of the three queries selected random and flipped it shows that what is the probability that it has two added coin, probability of E by E1 कितना था, E by E1 यहाँ भी था, ये भी क्या था बोलो ना, हाफ था, और ये भी क्या था तुम्हारा, हाफ था, और ये भी कितना था तुम्हारा, क्या बोलो, नहीं मत कर सर, बोला चैतन्य क्या हुआ सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है सर, वॉइस क्रैक होती तुमसे, शाहरुख सर ने वहां पढ़ाना चालू किया क्या, शाहरुख सर ने वहां बाहर पढ़ाना चालू किया क्या, हाँ बोलो ना, ये था ना, मैं क्या बोल रहा था, ये वैल्यू कितना इसका, ये हाफ है ना, इंटू हाफ इंटू हाफ आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ, और वन इंटू वन बाई फोर, ऊपर 1/4 आया, नीचे का कैलकुलेशन पता ना, इसको सुपम नेट नहीं चल रहा यार, नहीं चल रहा, बच्चों लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं यार, बच्चों लोग चिल्ला रहे यार, मजा खत्म होता है सर, हो गया चालू, बराबर चल रहा है अभी, फोर बाय नाइन एक आंसर, और एक बता दो बच्चों क्या, बच्चों लोग दिख रहा क्या बच्चों लोग, और बेसम की तरह दिख रहा सब नंबर के, बेसम बच्चों कौन वाला भी है, पता नहीं आंसर वाला बेस नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सब बेस तरह से, आपके तरह बेस जल्दी बताओ, वॉइस क्रैक हो रहा है, हाँ सर वेरी गुड, बच्चों लोग सुन ना, अच्छा से समझाता जरा, ये वॉइस बीच देख रहे यार, टेबल बनाने को आना पड़ता, इधर देख इना बोल्ट फैक्ट्री, ये अपने इसके अंदर एमएफएन से डाप है, इना बोल्ट फैक्ट्री, कौन सा फैक्ट्री बोलो ना, बोल्ट फैक्ट्री में तीन लोग है, एक्स वाई और क्या से बोल्ट फैक्टर करते, एक का 25% है और एक का कितना परसेंट है, 35%, एक का कितना बोलो ना 40%, मशीन का नाम क्या है, एक्स वाई जेड है ना, जो प्रोड्यूस करता है
4% और क्या बोलो 5%. अब वो इज ड्रॉन एट रैंडम, बुक लगा उसको सामने उसके ऊपर करना होगा. From the product that is found to be defective. What is the word? It was from the machine X. It was from machine X. We normally जो chapter wise में solve करते ना तो बहुत number दे दे वो. उन्होंने किस दिया? इसके आगे किस दिया? ऊपर की बाजू है ना? इतना बड़ा calculation करने की जरूरत? ये जो इन्होंने इतना बड़ा sum किया, देखा क्या तुम लोगों ने? तुमने इतना बड़ा sum किया? इस पर का नेट दे यार. इस पर इधर अच्छा जी वाला तन्ना मरे किधर लाओ ना, किसी और को लाओ, उसको भी नहीं चलता तो आप बोलते बाद में तुम उसको फोन भी नहीं करते. बस 1000 रुपए दे रहे यार अपन नेट का. नहीं नहीं चल, फायदा क्या है ना यार, लपड़े लोग ये लोग. 2000 में तो नया नेट खरीद सकते हो. नहीं बताओ कोई आदमी कोई रहेगा तो दो मेरे को. क्या सच्ची मजा नहीं कर रहा, दिमाग फोड़ी होता है देखना. कुछ ज्यादा बता नहीं आ रहा तो दिमाग खराब होता है भाई. क्या बोल रहा तुम्हारे को, शॉर्टकट बता रहा, क्वेश्चन दिखा रहा मेरे को. देखो वेन डायग्राम करने के लिए ना शॉर्टकट बता रहा मैं तुमको. सोच सोच बनाओ. बच्चा कितना भी एड़ा रहेगा ना, अपना प्रद्युम्न भी रहेगा ना, उसको भी समझेगा. प्रद्युम्न वाणी किधर है? नहीं मैं मेरे को देखे भागा तो इंडिया पास नहीं. बोलो पहला क्या कितना परसेंट दिया? 25% है. फिर बाद में कितना दिया? 35% है. और कितना बोलो ना? 40% है. और उसका नेक्स्ट वाला क्या दिला? 2% 4% और 5% बराबर है. अभी एक्स का पूछा ना, क्या पूछा भाई? क्या हो रहा? देखो मैं तुमको क्या हो रहा, वो प्रोबेबिलिटी जो निकालेगा तुम्हारे को एक्स का, सब लिखते नहीं बैठने का. जो चाहिए ऊपर आएगा, मतलब 25% × 2% ऊपर आएगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोला? परसेंट के नीचे कितने 100 है, दो ना लिखने का नहीं, नीचे वापिस 25 × 2 लिखने का, प्लस 35 × 4 लिखने का, प्लस 14 × 5 लिखने का. ऊपर का 50 आएगा नहीं, नीचे का कितना हो गया? 50 140 और कितना हो गया? 200. तो तुम बोलो 50 अपॉन कितना हो गया? 300. कितना मिनट लगा? एक मिनट लगा क्या? लगा क्या एक मिनट? नहीं लगा. ये सट्टा है. बात समझ में आ गया? वो जो थियोरी लिखने का ना अपने को, वो थियोरी अपने को बोर्ड में लिखना पड़ता. अपन इंडिया पढ़ने का तो इतने में शॉर्टकट में आंसर. और सबसे बड़ी बात क्या मान गया, ऑप्शन में देखो तुम चारों में 39 है. समझ में आ गया? तो सिर्फ ऊपर का सोचना पड़ता. अरे आया ना. और एक बार नेक्स्ट समझ लेते. हाँ और एक समझ. अरे लपड़ा क्या एनसीईआरटी के बुक में से कौन लिखता बैठेगा वापिस? चैप्टर वाइज लोडेड है ना, टाइम बचता क्या नहीं इसके. तो मैं सॉल्व चैप्टर वाइज दिखाया. शॉर्ट चैप्टर वाइज को दिखाओ ना क्या मेरे को, ये बताने का हम कितना शाने हैं, ये बताने के लिए. बुक भारी नहीं होता वो बुक, इसके लिए कि तुमको सिखा रहा कि एनडीए में क्या आता. अभी एनडीए में क्या आता? बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम का टोटल सम कितना है एमएफएन में? 14. वो 14 सम तुम कर लो, सीबीएसई का भी हो गया, स्टेट का भी हो गया. मैं क्या बता रहा? सट्टा बता रहा करने का कैसा. और किधर नेक्स्ट वाला दिखा? सब नंबर बोलो ना. और क्या है 27 के बाद कौन सा बेस थ्योरम नहीं आएगा? बेस थ्योरम और कदम नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता. नहीं अरे मेरे को मालूम है ऐसा नहीं हो सकता. बोलो बेस धर्म के तीन कीवर्ड है. क्या क्या तीन कीवर्ड बोला? एक सम बेस धर्म का है, कैसे मालूम पड़ता? वो तीन कीवर्ड याद रखना है, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव और टोटल प्रोबेबिलिटी. अमर अकबर एंथनी बोलो आप इसे. क्या क्या बोला मैं? ये तीन वर्ड याद रखने का. ये तीन वर्ड याद रखा तो तुम्हारे को आएगा ये जना. ये ऑड्स इन फेवर मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है ना, कौन जीता कौन हारा. हाँ कौन जीता कौन हारा, ऐसा गाना है मालूम क्या? देखो मैं ऐसा टेबल की बात कर रहा है. देखो ये टेबल, ये टेबल देखो, टेबल पे समय भाई
पूरा टेबल पे सामने अमर अकबर एंथनी, तीन लाइन ड्रॉ करने का ऐसा, बहुत भारी सट्टा बाजार है, सुनो। ऑड्स इन फेवर ऑफ द करेक्ट आंसर कितना है? तो 5:10 मतलब ये अगर मैंने एक्स नाम दिया, वाई नाम दिया और जेड नाम दिया ना, 5:2 मतलब 5/7 क्या लेने का, और 4:3 मतलब 4/7, और ये क्या बोला उन्होंने 3:4 मतलब 3/7। ऑड्स अगेंस्ट बोलता तो क्या करते थे, ऑड्स अगेंस्ट बोला तो उल्टा लिखने का, 5:2 है ना तो 2/7, और 4:3 है ना तो क्या लिखेंगे 3/7। अरे समझ में आ रहा क्या? और क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द वर्ड दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, एटलीस्ट टू मतलब क्या, तो कम से कम दो लोग का, ये बेस तरह हमारा सब नहीं दिखता, कैसे जबरदस्ती बेस बना, कौन बना रहा बेस का, कौन बोला बेस का, अरे वो ये बेस वाला नहीं भाई, मैं अभी और बता रहा, ये समझो एटलीस्ट टू, अभी एटलीस्ट टू का बात समझ में लो, एटलीस्ट टू मतलब क्या, कम से कम दो लोगों ने सॉल्व किया, दो लोगों ने सॉल्व किया ना, अब एटलीस्ट दो मतलब दो लोगों ने सॉल्व किया तो तीसरे ने नहीं किया, अरे आया ना, नहीं समझा, एटलीस्ट दो का मतलब क्या हो गया, नहीं तुमको नहीं, वो भी तुमको नहीं समझा, वो भी तुमको समझाना पड़ेगा, एटलीस्ट टू का मतलब कौन समझाएगा मेरे को, कम से कम या कम से कम दो, अरे तीन चार कहां से आएगा भैया, तीन ही लोग खेल रहे ना मैच, कम से कम दो कैसे आएगा बोलो, कम से कम दो, और इसका भी सट्टा बताता, लेकिन ये बेस थ्योरम नहीं है, ये बेस थ्योरम नहीं, लेकिन सट्टा बताता सम करेगा, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले, इधर देखो, नहीं नहीं उल्टा लंबा जाएगा, देख मैं क्या बोल रहा, ये 5/7 है ना प्रोबेबिलिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, अरे 2/7 कॉम्प्लीमेंट मतलब माइनस करने का, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, और 3/7 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 4/7, समझ में आ रहा क्या, अभी उन्होंने बोला इंग्लिश, तस्वीर मैम को बोला एटलीस्ट टू का मतलब क्या हो गया, दो मत बोला, बोल रहा मैं दो रहेगा तो क्या हो गया तीसरा कॉम्प्लीमेंट, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनडी का पेपर लिख रहा मैं, रफ पेपर मेरे को पीछे मिलता तो मैं ऐसे लिखेगा, एक्स लिखेगा वाई के ऊपर डैश और जेड लिखेगा, कितने को समझ रहा, वापिस से एक्स पे डैश लिखेगा, वाई और जेड को नंगा छोड़ेगा, प्लस एक्स वाई जेड, ये कितने को समझ में, एक्स वाई जेड क्यों लिखा मैंने, एटलीस्ट टू का मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा, रिलीजन समझा था, इस्लाम के 5 प्रिंसिपल है, एक भगवान को मानना, ओनली वन, देयर इज ओनली वन गॉड, एंड वी बिलीव दैट मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट, वी बिलीव इन ऑल प्रॉफिट, मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट, सेकेंड 30 डेज का रोजा रखना, 30 डेज रमजान, कभी 30 होता कभी 29 होता, थर्ड क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम में थर्ड क्या है, 5 टाइम नमाज पढ़ना, बोला कितना बोला 5 टाइम्स, फोर्थ जकात देने का, 2.5% ऑफ योर इनकम गरीबों में बांटने का, गरीब मिस्किन बेवा जिसको भी 2.5 एटलीस्ट, नहीं बोला नहीं तुमको रिलीजन सिखा रहा, जब हज की बात करते ना तो हज में बोला था एटलीस्ट वंस, फिफ्थ पिलर है इस्लाम का, क्या बोला उन्होंने, एटलीस्ट वंस, उन्होंने ओनली वंस नहीं बोला, क्या बोला, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का क्या मीनिंग हो गया, 112 बार जा सकता, मैं तो 10 बार गया, तो लोग बोलते यार काय को गया, लेकिन उनको मालूम नहीं रिलीजन में उनको मैच नहीं आता, क्लियर कट प्रिंसिपल है, क्या लिखा है, एटलीस्ट वंस, अरे बात समझ में आया क्या, तो एटलीस्ट टू मतलब दो आया, इधर पिंकेश सर देखो, पिंकेश सर आए, ये इधर दो है, तो जब दो आया तो तीसरे को कॉम्प्लीमेंट मारने का, और यहाँ पे ये दो है तो एक को कॉम्प्लीमेंट मारने का, यहाँ पे दो है तो तीसरे को कॉम्प्लीमेंट मारा, फिर ये काय को लिया, तीनों भी हो सकता, ये बात कितने को समझ में आया, अच्छा अभी लाल इधर आओ, अभी एक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इधर क्या लिखेंगे, मैं बोलो ना 5/7, और वाई के साथ क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे, लेकिन जेड के साथ तो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा है, बात समझ में आ गया, इसका बोलो एक्स का बोलो, वाई के साथ तो कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो कॉम्प्लीमेंट है ना, और वाई कितना है और जेड कितना है,
और तीनों का बोलो 5/7, 4/7, 3/7। अरे समझा क्या? अभी 16/5 कितना हो गया? 80। बराबर है क्या? 9/5 कितना हो गया? 45। ये बोलो 24 नंबर 60। नीचे 7 का क्यूब आया ना? अरे 7 का क्यूब चेक करने की जरूरत है क्या? क्या है बोलो ना? 343 सब में है क्या? नहीं। अरे है क्या? नहीं। तो जब तुम्हारा लॉजिक चेक करने के लिए तुमको मालूम पड़ता कि मैं रॉन्ग नहीं है, जो अगर मैं रॉन्ग होता था तो मेरे को नीचे 343 आता था क्या? इसलिए ऊपर वाले को ऐड करो 140 और तुम्हारा 69 आएगा 209। अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा सट्टा मारने को? सम सिखाने के लिए मेरा टीचर बहुत भारी सिखाते हैं, मैं जो बता रहा सट्टा बता रहा। आया ना? नेक्स्ट बेस धर्म कौन सा? और ये बेस धर्म नहीं था क्या? दोबारा बोलता बच्चों लोग, बेस धर्म के लिए तीन कीवर्ड है। क्या क्या तीन कीवर्ड है? एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव और बोलो ना टोटल प्रॉपर्टी अमर अकबर, इसको मतलब समझो, और कंडीशनल प्रॉपर्टी भी है, ये भी याद रखो। क्या रहता हो? कंडीशनल प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोलते भाई? किसी को फिजिक्स करने का रहेगा ना तो असद सर को बोलने एनडी का फिजिक्स पढ़ाने का 11th में फिजिक्स पढ़ने जाने का। नेक्स्ट बोलो ना कौन और है बेस्ट टर्म किधर? 92 है ना? 92 है ना? देखो 92 बुलाओ। अभी जिसको जिसको एनडीए पास होने का ना उसको मैं एक बात बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अपने एमएफएन में कितने समय से वाला है? 14 को सट्टा मार के करो, खुद पेंसिल लेके करो, तुम पेन पेंसिल बैठ के पूरा बेस धर्म के 14 सम करो, तुम जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। कौन कौन करेगा? ये मैथ्स कैसे बनेगा? तुम खुद नहीं करेगा तो कभी नहीं आएगा, याद रखो। अनिस पुट्टी को एग्जाम नहीं देने का, क्लियर करो ये बात। बाय रे सब। ये जाना 86 बेस धर्म, 86 उसको छोड़ दिया। बोलो भाई 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 किधर भाई? 86 क्वेश्चन बोलो। क्या कह रहे क्वेश्चन? देखो ध्यान से देखो क्या दिया। इंश्योरेंस कंपनी है ना, हराम है, हमारे लिए तो हराम है। 2000 स्कूटर है, 4000 कार है और 6000 कितना है? ट्रक। तो मैं क्या करेगा? पहले कौन है रे? स्कूटर, फिर क्या है बोलो ना? कार, फिर क्या लिखा? ट्रक। देखो मेरा टेबल, देखो टेबल समझ रहा? टेबल कितने लोगों को टेबल का सट्टा समझ रहा? कितने लोग भाई इधर? 2000 ना, 2K लिखने का, 2K पूरा 2000 लिखने का क्या? 4K इधर बोलो। कैसा लगा सट्टा? एक्सीडेंट कर दे गधे लोग, एक्सीडेंट कर दो कितना? पहला स्कूटर ये पढ़ना है, कभी कभी क्या करते बोल क्या? पहले स्कूटर नहीं देते वो लोग, भी होशियार रहते घुमाते, पहले क्या देते? कार। और तुम सब बराबर पढ़ते रहे गए पानी में भाई इसमें। नहीं समझ में मैं क्या बोला? ये रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते क्या? नहीं रेस्पेक्टिवली का इंग्लिश से मांगलिस, वो घुमाते वो लोग, ध्यान से नहीं पढ़ा तो मुश्किल है। क्या नाम था स्कूटर का? कितना स्कूटर का? दूसरा वाला बोलो, गाड़ी से ना, और उसके बाद खलास सम हो गया मेरा। क्या ढूंढने का? ऊपर क्या आना चाहिए? स्कूटर ना, बोलो प्रोबेबिलिटी का आंसर मेरा, बोलो स्कूटर का, बोलो 2K लिखने का, 1000 लिखने का, 0.0 नीचे मल्टीप्लाई करके लिखना। अरे वो क्या 1000 का तेल लगाते, 4 को 0.03 से मल्टीप्लाई करो ना, नहीं आता ना मल्टीप्लाई करने को। 4 × 0.03 कितना था? 0.02। आगे इसको 0.02 ना, स्कूटर का भी है ना पहले का। और 60 × 15 कितना था? ऐड करो ना, नहीं ऐड करेंगे,
0.90 को 0.12 और 0.02 ऐड किया तो कितना था? 4 10 सा ऊपर कितना? ऊपर 0.2 और नीचे 1.04, तो मेरे हिसाब से 1/52 आंसर है। ऐसे किधर है क्या आंसर? किधर है? कैसा लगा सट्टा? एक ना अभी उन्होंने क्या क्या किया देखो, तुम येड़ा हो जाएंगे तुम। अरे तो ये तो एलजीब्रा है ना, मैं सट्टा सट्टा क्या बोल रहा फिर? इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे सारा जिंदगी बीत जाएगा। ये देख ये तो सब लिखते पढ़ने आ गया। अभी बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? बच्चे का 8वीं 9वीं 10वीं का प्रॉब्लम है। अभी वो जो बच्चे लोगों ने मैं देखा नहीं क्या 18-20 मार्क्स मिले ना 11वीं 12वीं के टेस्ट में, आरएमसी के टेस्ट में 6 मार्क्स मिले ले। बजट नहीं कर रहा मेरे को पूरा स्टैटिस्टिक्स आ रहा इधर देखो। आरएमसी का जो टेस्ट है ना बच्चे लोग को, महात्मा गांधी थोड़ी चेंज होता। आरएमसी के लिए महात्मा गांधी अलग है, 12वीं 8वीं के लिए अलग ऐसा होता क्या? आरएमसी के मार्क्स में कम मार्क्स है, वो देखे स्कूल में मार्क्स कम है और अपने मार्क्स में ज्यादा है, क्योंकि अपने को कॉपी मारने मिल रहा ना। समझ में आ रहा भाई क्या बोल रहा? अरे क्या चिट्ठी लेके घूम रहा मैं पॉकेट में, क्योंकि वो सारे लोग वो टेस्ट नहीं दे रहे आरएमसी का, आरएमएस का ना, तो कॉपी मारने नहीं मिल रहा। अभी छोटे बच्चे का पूछे तो शर्म भी आती, तो बेचारा अपने हिसाब से तुक्का मार रहा हो, उसको मार्क्स कब मिल रहे? और जो बाकी एक दूसरे को कॉपी मार के मिल रहा है उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे उसको, तो मालूम पड़ता मेरे को कौन पास हो रहा कौन नहीं पास हो रहा। अरे बात समझ में आ रहा क्या? ये जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है ना, यही बच्चों को नहीं आता। बात बेस शर्म की नहीं है, बात कई की बोलो, पहली से दसवीं में हम लोग कॉपी मार के पास हो गए, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लेक्चर क्या, नेक्स्ट लेक्चर में क्या सिखा रहा? और वो इंटरनेशनल बुक लगाया था ना, वो लगा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का कल करा था ना मैं, कौन सा बुक था इंटरनेशनल?